नेक्स्ट है स्टेज ऑफ ड्रामा। सबसे पहले जो ड्रामा का जो क्लासिफिकेशन हुआ ना, वो कैसे हुआ? क्लासिकल थिएटर यानी ग्रीक एंड रोमन क्लासिज्म, ये जो है ना, ये 1200 से 300 बीसी के बीच यानी बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। यानी क्लासिक थिएटर जो है वो क्या था, वो 1200 से 300 बीसी के बीच आया। और यही जो क्लासिक थिएटर है, यह जो है ये एक अर्ली फॉर्म ऑफ स्टेज माना जाता है। किसका? ड्रामा का। किसमें? क्लासिक थिएटर स्टेज के नाम से इसे जानते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसे समझना, ठीक है? ये शुरुआती था, ये किस चीज़ का क्लासिफिकेशन का, यहीं से शुरुआत हुआ था। किसका? ड्रामा का। नेक्स्ट है नेटिव ड्रामा। नेटिव ड्रामा क्या है? नेटिव ड्रामा जो है वो 1066 से 1500 के एडी के बीच में आया था। मतलब एडी का मतलब होता है ईसा मसीह की जब डेथ हो जाती है ना, वहीं से ये स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को क्या कहते हैं? डार्क एज ऑफ ड्रामा कहते हैं, मिडल एज ड्रामा के नाम से भी इसे जानते हैं, और तो और इसे डार्क एज स्टेज भी इसे कहते हैं। किसे? नेटिव ड्रामा को। कहाँ से आया? क्लासिक जो था, क्लासिकल जो ड्रामा है उसके बाद ये ड्रामा आया। अगला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेनेसा ड्रामा। ये आया था 1500 से 1660 के बीच में, एडी के बीच में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी में एक और है, क्या है? एप्रोन और रेनेसा स्टेज भी इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये भी इसी स्टेज का एक हिस्सा है। और इसी स्टेज में एलिजाबेथन एज आया था, जिसको एलिजाबेथन ड्रामा के नाम से जानते हैं। और शेक्सपियर और कंटेम्प्रेरीज भी इसी में आया। और दूसरा है जैकबन एरा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी हम समझेंगे। अगला ड्रामा आया था इसके बाद 17th और 18th सेंचुरी में, क्या आया था? नियोल क्लासिकल पीरियड आया था। और इसे क्या कहते हैं? रेस्टोरेशन ड्रामा इसे कहते हैं। जिसमें कब आया था ये? 1660 से 1800 एडी के बीच में आया था। ये नियोल क्लासिकल पीरियड है और इसे क्या कहते हैं? रेस्टोरेशन ड्रामा भी इसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी समझेंगे इसे। अगला है 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच जो ड्रामा है वो है प्रोसीनियम, जिसे पिक्चर फ्रेम स्टेज कहा जाता है, यानी पिक्चर फ्रेम ऑफ स्टेज के नाम से इसे जाना जाता है, प्रोसीनियम को। ये था हमारा जो स्टेज है ड्रामा का, तो इसे समझते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। अगला, हिस्ट्री ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ड्रामा। यानी क्या है हिस्ट्री, क्या है ओरिजिन, क्या है ग्रोथ, किसका? ड्रामा का। पहला है क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन ड्रामा। यानी ग्रीक ड्रामा जो है ना, वो ग्रीस कंट्री का अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्टेज है, यहीं से ड्रामा का आगमन हुआ। एशियन टाइम में ग्रीक थिएटर जो ड्रामा था, इसे कल्चर माना जाता था। यहीं से क्या हुआ था? एंशियन टाइम से ग्रीस में जो है फ्लोरिस्ट हुआ था, यानी निखार आया था। किसका? ड्रामा का। यानी भरण पोषण जो हुआ था ना, वो यहीं से हुआ था। कहाँ से? एंशियंट ग्रीस से। फॉर्म जो था इसका, ये कौन से फॉर्म में आया था? 700 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट से ये आया था। एंशियंट ग्रीक्स फॉर्म इसे कहते हैं। ग्रीस सिटी यानी ग्रीस सिटी या कह लो या स्टेट कह लो, इसके अंदर एक एथेंस था। एथेंस था, यहाँ पर प्ले होता था। क्या होता था? प्ले होता था, यानी थिएटर के फॉर्म पे दर्शाया जाता था, ठीक है, ड्रामा को। किस फॉर्म में? थिएटर के फॉर्म में। और यहीं से जो परफॉर्म होते थे, वो क्या क्या परफॉर्म किए जाते थे यहाँ पर? पॉलिटिकल किए जाते थे, यानी राजनीतिक तौर पर, रिलीजियस यानी धार्मिक तौर पर, सिग्निफिकेंट कल्चर, कल्चर को दर्शाया जाता था। कहाँ पर? ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर कहाँ पर? इस सेंटर पर, एथेंस सेंटर पर इस चीज को दर्शाया जाता था। इस समय में एथेंस के अंदर थिएटर को फेस्टिवल के नाम से जानते थे। यहाँ पर फेस्टिवल के नाम से, एथेंस में थिएटर को एक फेस्टिवल के नाम से जानते थे। इस फेस्टिवल को डायनोसियस के नाम से जानते थे, भगवान डायनोसियस जो थे उनके नाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता था, थिएटर और ड्रामा के तौर पर।